हेलो एवरीवन, मैं हूँ मूप्रिया। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ होममेड टोनर और फेस पैक। तो ये टोनर और फेस पैक यूज करने से हमारी स्किन हेल्दी होता है और इसकी रेगुलर यूज से स्किन होता है लाइट और ब्राइट। सबसे खास बात यह है कि ये टोनर और फेस पैक बनाने के लिए जो भी ज्यादा इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो हमेशा हमारे घर पर अवेलेबल होता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। टोनर बनाने के लिए मैं ये दो चीज़ें यूज़ करूँगी। मैंने लिया हनी और लिया है 2 टीस्पून लेमन जूस। 2 टीस्पून लेमन जूस में मैं 1 टीस्पून हनी को मिलाऊँगी। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहता है, इसमें है एंटीऑक्सीडेंट, ये स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है। लेमन, आप सभी लोगों को पता है, लेमन है नेचुरल ब्लीच, ये स्किन को लाइट करता है, एक्ने रिड्यूस करता है। लेमन में है विटामिन सी, फॉस्फोरस, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। अच्छी तरह से इसे मिलाऊंगी। मैंने मिक्स कर लिया है, ये टोनर अब रेडी है। अब इसको हम अब अप्लाई करेंगे। मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, इस मेकअप ब्रश के मदद से मैं टोनर को अप्लाई करूंगी। मैं इसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करती हूँ और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है मुझे गाइस, क्योंकि इसने मुझे स्किन को बहुत अच्छा किया और स्किन का जो एक ग्लो है ना उसको वापस लाया। मैंने यहाँ पे कॉटन बॉल के मदद से भी दिखाया है एप्लीकेशन, आप लोग कॉटन बॉल के मदद से भी कर सकते हो। आप अगर रेगुलरली इसे यूज़ करो तो यू विल सी अ डिफरेंस इन योर कॉम्प्लेक्शन। चलिए मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद धो लूंगी। अब मैं फेस पैक को बनाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है रोज़ वाटर, कसूरी हल्दी और लिया है टोमेटो जूस। तो सबसे पहले एक क्लीन बोल ले लूंगी मैं, इसमें हम सारे चीज़ों को ऐड करेंगे। 2 टीस्पून टोमेटो जूस ले रही हूँ, 4 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड करूँगी। रोज़ वाटर में सूदिंग प्रॉपर्टी है, गर्मियों के वजह से स्किन में जो इरिटेशन होता है इसे हील करता है। ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कसूरी हल्दी। हल्दी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये टैन रिमूवल का भी काम करता है, ये पॉल्यूशन को हटाता है। हल्दी के वजह से स्किन काफ़ी ग्लोई हो जाता है। टोमेटो जूस में है विटामिन मिनरल्स, जो कि स्किन को फ्लॉलेस बनाता है। गर्मियों के वजह से, टैनिंग के वजह से स्किन में जो डिसकलरेशन आ जाता है ये उसे भी हटाता है। रोज़ वाटर एक्ने को ठीक करता है, इसमें है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब मैं इस फेस पैक को अप्लाई करूँगी। टोनर को अप्लाई करने के बाद जब आप लोग फेस वॉश कर लेंगे उसके बाद फेस पैक को अप्लाई करेंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ। इस फेस पैक को मैंने 10 मिनट के लिए लगाया है, 10 मिनट बाद मैं इसे धो लूँगी। इन टिप्स को आपके डेली रूटीन में अप्लाई करके देखिए स्किन कितनी जल्दी हेल्दी हो जाता है। मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लूंगी। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू।